हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे रिवायरिंग का, रिवायरिंग कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ड्रिल होल है और ये ड्रिल होल हो रहा है यहाँ पे। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ड्रिल होल हमारा सीधा होना चाहिए और जिस डाया का हमें रिवायर करना है उस डाये से ज़्यादा हमें होल करना है। इजिकल टू जैसा हमने आपको पीछे मार करके दिखाया था, अगर ट्रेनिंग का रिवायर करना है तो ट्रेनिंग को हमें होल करना है। पर होल हमेशा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है हमारी जो स्टील बार की जो स्ट्रेंथ है, सिलाई टेस्ट करते हैं उस टाइम पर हमें इसमें दिक्कत आती है और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जब होल हो जाएगा उसके बाद में इसमें क्या है, हम इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे, जो कि पीवीसी निप्पल के साथ में किया जाता है डीप क्लीनिंग। और फोर अराउंड भी क्लीनिंग करनी है, जो ब्लोअर होता है हमारा उससे अच्छे से सफाई करनी है। केमिकल डालने से पहले इसके अंदर कुछ बचना नहीं चाहिए, धूल वगैरह, क्योंकि सफाई हो रही है। इसी तरीके से हमें सफाई करनी है साइड को और उसके बाद में ही रिवायर का प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। देखिए पीवीसी जो है निप्पल है, ये इसके अंदर फुट कर दिया और ये जितना सारा डस्ट होगा उसको रिमूव कर देगा इसके अंदर से। ये प्रोसीजर फॉलो करना है, बेस्ट प्रोसीजर है ये रिवायरिंग का। सारा डिस्कस किया है हमने। उसके बाद में स्टेप थ्री हम यूज करते हैं। देखो इसकी डेप्थ चेक करनी है हमें, तो एक स्पेसिफिकेशन कितनी डेप्थ हमें रिक्वायर्ड है। जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसमें डेप्थ कितना है। मोस्टली 10D हम इसमें लेते हैं, तो 10D के हिसाब से हमने ये केमिकल यूज किया है फिक्सचर का, और 10D के हिसाब से हमने इसकी डेप्थ चेक कर ली है। और इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है, हम इसमें रिवायरिंग का जो मटेरियल है उसको पुट कर लें। फिशर का केमिकल होता है, फिशर का भी होता है, एल्टी का भी होता है, हिंटी का भी होता है, फोक्रोक्स का भी होता है, जो कंपनी में जो सूटेबल होता है वो केमिकल हमें यूज करना। देखो धीरे धीरे इसको पुट करना है केमिकल को इसके अंदर, और ये केमिकल को डालने के बाद में तुरंत इसमें जो हमारा स्टील बार है वो पुट करना है, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। और ध्यान रहे ये निप्पल में बहुत जल्दी ये सेट होता है, विद इन 10 to 20 seconds का टाइम होता है सेटिंग टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिवायर के बारे में। आगे बने रहिए ऐसे वीडियो में, प्रैक्टिकली हम आपके साथ में नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।